नमस्कार साथियों आज हम लोग एक नए विषय के साथ आपके साथ आने का प्रयास किया है वो विषय है सीड टेक्नोलॉजी सीड टेक्नोलॉजी को हम लोग तो आपको कई हिस्से में सीड टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे जिसका पहला पार्ट आज होगा सीड क्या है सीड क्या है सीड का डेवलपमेंट होता कैसे है सीड के मुख्य पार्ट्स क्या क्या है सीड और ग्रेन में क्या अंतर है और सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डिफाइन करना हो तो सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर गवर्नमेंट आर्डर क्या क्या होना चाहिए तो कुल पांच पॉइंट्स uh, पर हम आज चर्चा करेंगे पहला पॉइंट है सीड क्या है अगर आप डिफाइन करना पड़ा बींग स्टूडेंट आपको डिफाइन करना पड़ा सीड है क्या तो सीड को आप कह सकते हैं सीड इज दरियानिक प्लांट जिसम के साथ स्टोर्ड मटेरियल होता है और एक प्रोटेक्टिव कवर में प्रोटेक्ट होता है यानी सीड इजनिक प्लांट इनक्लोज विथ प्रोटेक्टिव कवर अलॉन्ग स्टोर्ड फूड मटेरियल फूड मटेरियल लिए एम्ब्रियो के लिए फिर अगर आप नेचर के पॉइंट ऑफ से देखें तो सीड क्या था सीड था एक तरह का रिप्रोडक्टिव प्रोपेगेशन टूल था सीड इज दूल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्लांट प्रोपेशन या रिप्रोडक्टिव मल्टीप्लीकेशन अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें अगर एग्रीकल्चर तो कह सकते हैं ना कि सीड इज द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल इनपुट्स है जिसका पूरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सीड का कंट्रीब्यूशन 15 टू 45 परसेंट माना गया कि अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है तो सीड कंट्रीब्यूट कर सकता है 15 से लेकर 45 परसेंट प्रोडक्शन में तो सीड का सिग्निफिकेंस आपको इसे लग गया कि प्रोडक्शन में सीड का महत्व है अच्छा सीड अगर रिप्रोडक्टिव प्रोपोगेशन टूल है तो एग्रीकल्चर में कहां यूज होता है ऑल ऑफ सीरियल जितने सीरियल क्राफ आपने पढ़ी होगी व्हीट राइस बार्ले आला ऑफ पलसेस चाहे वो पी हो ग्राम हो उर्द हो मूंग हो सारे पलसेस सीड से मल्टीप्लाई होता है मोस्ट ऑफ आल ऑफ आयल सीड मस्टर्ड हो सीड हो ये सारे के सारे सीड से होते हैं मोस्ट ऑफ वेजिटेबल मोस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड मोस्ट ऑफ स्पाइसेस इनका किससे होता, होता है प्रोपोगेशन सीड के द्वारा यानी ये कह सकते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन होता है इसमें मोस्ट इसलिए लगाया कि इसमें कहीं एक्सेप्शन है जैसे वेजिटेबल में देखें आरटी चोक आरटी का पॉइंटेड गार्ड पोटैटो स्वीट पोटैटो याम ये ऐसे वेजिटेबल हैं नोट करें चाहे तो आर्टीचोक पॉइंटेड गार्ड परवल जिसको आप कहते हो पोटैटो स्वीट पोटैटो याम इनका प्रोपेगेशन सीड से नहीं होता है इसी तरह से स्पाइसेस जो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द स्पाइसे आप कोरिएंडर कुरी, की बात करेंगे आप क्यूमिन की बात करेंगे फेनुग्रीक की बात करेंगे सब सीड से होता है लेकिन नहीं होता कहा गार्लिक जिंजर टर्मरिक ब्लैक पेपर कार्डिमम क्लोव बिल्कुल नटमेग And इनका प्रोपेगेशन सीड से नहीं होता है ये क्वेश्चन भी आप अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचें कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टूल यूज होता है या रिप्रोडक्टिव कार्डिम में कार्डिम अगर प्लांट आपने देखा होगा ना तो उसके सकर से आते हैं तो कार्डिम का प्रोपेगेशन किससे होता है सकर से जिंजर का टर्मरिक को आप राइजोम से होता है पोटैटो का ट्यूबर से होता है अगर आप फ्रूट क्रॉप की बात करें तो कोई फ्रूट क्रॉप है जिसका सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन होता है तो फ्रूट क्राफ में पपाया बहुत कुछ ही फ्रूट क्रॉप है जिसका रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन से प्रोपोगेशन होता है पपाया फालसा ये तो कॉमनली होते सीड्स है एवन की जय फ्रूट कटहल वेजिटेटिव मेथड स्टैंडर्डाइज है जैक फ्रूट लेकिन मोस्टली किसान नर्सरी सीड से मल्टीप्लाई करते हैं सिट्रस हमने पहले भी बात करी थी जब आप पॉलिम बिरयानी की बात हुई थी तो हमने सिट्रस कहा था कि आज भी सिट्रस का कामर्शियली मल्टीप्लीकेशन किससे होता है सीड से होता है क्योंकि पॉलीम बिरयानी पाई जाती है अब पॉलिम बिरयानी क्या है इस कंसेप्ट को देखना हो तो हमने वीडियो का लिंक ऊपर शेयर किया है आप जरूर देखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं

अब हमने बात कर ली किसकी स्क्रैप में मल्टीप्लिकेशन सीड से होता है अब बात आती है कि सीड बनता कैसे है ठीक है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी अगर आपने पुराना हमारा वीडियो देखा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट जिसका लिंक हम ऊपर शेयर कर रहे हैं तो आपको एक पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उसी वीडियो का कुछ हिस्से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे बेटर है कि आप उस वीडियो को देखें तो सीट का डेवलपमेंट कैसे होता है क्लियर सीट का ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कोई प्रश्न हां ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप क्या कहते हो कार्पेल कहते हो या पिस्टल कहते हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप स्टेमेन कहते हो पॉल सोर्स है यानी हो 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 गया, 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 गया। एक बार जो जो होता है है, का, इसको इस कहते हैं, ये जो फुला हुआ पार्ट है, ये हुआ अब सी की बात आई, तो सीड डेवलपमेंट होता क्या है एंथर से क्या निकलता है एंथर मैच्योर होकर क्या निकालता है पॉलन ठीक है पॉलन पॉलिनेटर के द्वारा यानी किसी एजेंट के द्वारा पालन कहां पहुंचता है स्टिग्मा पर स्टिग्मा पर पालन के पहुंचने के बाद पालन जर्मिनेट होता है ठीक है और पॉलन ट्यूब बनाता है ऐसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर चलने रहता है इसके भीतर होता है इसके टिप पर हमेशा एक होता है जनरेटिव मिल न्यूक्लिया सपोज करिए यहां पर है आपका ओब्यूल अब ओब्यूल का स्ट्रक्चर को शार्ट में बनाने का प्रयास करते हैं ये जो पालन ट्यूब है ये धीरे 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 ग्रो करते हुए ऐसे चलता आता है और इसके भीतर एक जो जनरेटिव सेल था वो जनरेटिव सेल मल्टीप्लाई करके दो जनरेटिव सेल में देता है और इसके टिप पर दो जनरेटिव सेल बन गए आप इसको देखें तो दो जनरेटिव सेल बन गया और ये जो ओब्यूल था पूरा पूरे हिस्से को ओव्यूल कहते हैं पूरे को और इसके जो माइक्रोपाइलिंड है वो भी ऐसे अटैच होता है इसे यहां पर होता है एक सेल यानी एक सेल यानी फीमेल गैमेट तो एक जन जो आपका मेल गैमेट होगा ये किसके साथ फ्यूज होगा फीमेल गैमेट को और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करेगा यानी एक मेल गैमेट, मेल जनरेटिव सेल जिसको मेल जेनरेटिव सेल या मेल गैमेट भी कहते हैं मेल जनरेटिव सेल या मेल गैमेट हो गया मेल गैमेट। शार्ट में अगर हम इसको एम जी लिख दें मेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो एक है वो किससे फ्यूज हुआ एक सेल से और क्या बनाया तो हम लिखते हैं मेल गैमेट फ्यूज हुआ किससे फीमेल गैमेट यानी एक सेल से और बनाया फर्टिलाइजेशन हुई जिसको फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से क्या बना जायुट क्लियर कोई प्रश्न तो बीच में पूछ दिया करिए जायुड फिर जायुड क्या हुआ इम्ब्रियोजेनेसिस हुई और क्या बना? इम्रियो और कॉन्टिलिडेंस तो साथियों ये फाइनल हमारा हमने सीड के डिफिनेशन में क्या कहा? इज द इम्रियॉनिक प्लांट तो इम्ब्रियो बना कैसे अपने पूरी इंब्रियो की जर्नी को शर्ट में समझने का प्रयास किया? कि इनके फ्यूजन से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के साथ क्या होता है सीड प्लांट भी से देखें, को दो हिस्से में बांटा गया मोनोकारिडियंस जैसे व्हीट राइस मेज बार्ले ये सारे मोनो के इसमें एक अगर सीड को खोलकर देखें तो एक कार्टिलीडन होते हैं और ऐसे सीड में विशेषता होती है कि ऐसे सीड में ब्रांचि ऐसे प्लांट्स में विशेषता होती है उसमें ब्रांचिंग नहीं होती उसके लीफ में पैरेलल बनेशन होता है अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो जितने हैं उसके लीफ के पैरेलल बनेशन ऐसे होगा इसका जबकि डाई कार्ड में क्या होता है, होती है उसके लीव्स को देखें तो उसके रेटिकुलेट बनेशन होते हैं ऐसे ऐसे उसकी वेंस जो आप जो कह है सकते हैं ना रेटिकुलेट बनेशन होता है ब्रांचिंग हैबिट होती है और दो कार्टलीडन होते हैं लेकिन कॉनिफर्स को देखें तो कॉनिफर्स जो कैटेगरी है उसमें दो से ज्यादा कॉटिलिडेंस होते हैं तो ठीक हो गया एम्ब्रियो बन गया और कॉटिलिडेंस बन गया अच्छा क्या बिना फर्टिलाइजेशन का भी एम्ब्रियो बनता है हाँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बनता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज द एपोमिक्सिस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन अभी तक हम बात क्या किए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से ऐसे एक्सेप्शन हैं कि जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन से हो तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं और ऐसे क्राप को ऐसे स्पेसिज को या स्पेसी वैरायटी कहते हैं ठीक है अब एपोमिक्सिस अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मैंगो स्टीन एक फ्रूट क्राप है उसका एक सेल जो है बिना फर्टिलाइज हुए मैंगो स्टीन का चलिए का यहां लिखें मैंगो स्टीन इसका एक सेल बिना फर्टिलाइज हुए सीधे जाइगोट बना देता है तो हो गया ये मतलब टू टू टाइप होगा इसका सीड भी बोएंगे तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा तो एपोमिक्टिक का एग्जाम्पल है अगर सेब की तीन स्पीशीज अगर आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं हमारे समय जेआरएफ में बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप एप्पल की स्पीशीज ऐसी बताइए जिसमें एपोमिक्सिस पाई जाती है तो चार स्पीशीज एप्पल की ऐसी हैं मैलस सिकमेंसिस मैलस शूपेहेन्सिज मैलस सर्जेंटी और मैलस टोरिंगवार्ड्स जिसमें एपोमिक्सिस पाई जाती है तो एपोमिक्सिस आपने समझ गए कि पोमिक्सिस क्या है और इसी प्रक्रिया को जो एपोमिक्सिस प्रक्रिया को कई बार पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं कंफ्यूज मत होइएगा एपोमिक्स पार्थिनोजेनेसिस एक पार्थनोकार्पी होती है वो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है उत्तराखंड लोअर सब एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि पार्थिनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट क्या होता है या किंगजाम्पल में कई बार पूछ लिया जाता है उस वीडियो हमारे पुराने वीडियो को आप देखेंगे पार्थनो कार्पी पे एक सेपरेट वीडियो है तो आपको उसका डिटेल पता चल जाएगा ठीक है अब हमने कहा कि एम्ब्रियो चाहिए सीड के लिए तो सीड का डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन दोनों के फ्यूजन से हुआ सीड को के भीतर स्टोर फूड हो, आइटम होते हैं तो कॉटलीस का डेवलपमेंट यही हो गया तो क्या सारे क्राफ्ट में कॉटिलीडेंस ही सीड का एम्ब्रियो का फूड सोर्स है नहीं कुछ क्राप ऐसे हैं जिसमें कॉटलीस की एनर्जी शुरू में ही एम्ब्रियो यूज कर ले जाता है और वहां नहीं रहते हैं वहां क्या होते हैं इंडो स्पर्म होते हैं वहां होते हैं आइटम के रूप में क्या होते हैं इंडोस्पर्म इंडो स्पर्म इंडो रहते हैं अब बात आई जब फिर इंडो स्पर्म का कहां से आया इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और जिन क्रॉप में कॉन्टेडिनेस समाप्त हो जाती है और इंडोस्पर्म इंडो, इंडो, इंडो का मेजर फूड आइटम हो जाता है स्टोर्ड आइटम होता है ऐसे क्रॉप्स को कहते हैं एल्बुमिनस क्रॉप एल्बुमिनस प्लांट जैसे वीट बार्ले ओट इस तरह के जो आप देखेंगे एल्बुमिनस में आते हैं फिर इंडो स्पर्म का डेवलपमेंट फ्रूट क्रॉप में कोकोनट कोकोनट जो पानी आप नारियल पानी पीते हो ना वो इंडोस्पर्म है अब स्पर्म का डेवलपमेंट कहां से हो गया तो मैंने आपसे बताया कि जब ट्यूब ग्रो करता है और एक मेल जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो जन मेल जेनरेटिव सेल बनाती है और दो में से एक तो एक सेल के साथ फ्यूज हो गया एक जो बच गया वो क्या किया उस जो आपका एम्ब्रियो एम्ब्रियोसाइक है ना एम्ब्रियोसाइक के सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है पोलर सेल पाए जाते हैं और उनकी यानी दो पोलर सेल हो गए पोलर सेल हो गए दो दो यानी एन फिर एन ये जो पोलर सेल है इनके साथ एक जो बचा हुआ मेल जनरेटिव न्यूक्लिया यानी मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है मेल गैमेट और इस फ्यूजन की प्रक्रिया को यहां जो फ्यूजन हुआ उसको फर्टिलाइजेशन कहा गया और यहां पर कहा गया ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन इसलिए हुआ कि अगर क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर देखें तो पोलर सेल की टू एन हुआ और मेल गैमेट का एन यानी थ्री एन हो गया तो जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें थ्री एन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर हो जाता है इस नाते से ट्रिपल फ्यूजन किया कहा जाता है और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या बना इंडो जिन क्राफ्ट में क्वारते तो हैं इंडोस्पर्म है? का डेवलपमेंट हो गया तो कहा कि मिर्यानी क्या हो, सकता है? या तो हो सकते हैं या इंडोस्पर्म होता है इन प्रोटेक्टिव कवर अब बात आती है प्रोटेक्टिव कवर कहां से बनाया सीड ने फिर आते हैं इस स्ट्रक्चर पर ये जो लास्ट में जो ओव्यूल का लास्ट पार्ट है ना इसके इंटमेंट कहते हैं एंटेगुमेंट्स जब सीड मैच्योर होता है फर्टिलाइजेशन हो गई एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है तो लास्ट में जब सीड मैच्योर होने लगता है तो जो एंटेंट्स है यानी ओव्यूल का लास्ट बाहर वाला जो पार्ट्स ना ये प्रोटेक्टिव कवर के रूप में सीड कोट सीड कवर या टेस्टा भी कहते हैं किसी किसी लेगुम्स क्राफ में टेस्टा के नाम से जाना जाता है तो एंटीगुमेंट्स क्या बना देते हैं सीड कोट तो पूरे सीट के स्ट्रक्चर को हमने देखा कि एम्ब्रियो बना कैसे स्टोर्ड मटेरियल बना किस रूप में स्टोर्ड मटेरियल बना क्वारिड या इंडो स्पन के रूप में आ इसको सबको सुरक्षा एक कवच में बांधा सीट कोट में सीट कोट किससे बना एंटीबेंट से तो दोस्तों हमने पूरी सीट की पार्ट्स और सीट की डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया इसमें अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है सीट कोट किससे बनता है क्या कहते हैं है। एक, एक ही साथ दो फ्यूजन हुआ ना एक तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक हुआ फर्टिलाइजेशन तो दो फ्यूजन एक साथ हुआ इसी नाते कई बार इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है देखा सकते ना कि एक साथ ट्रिपल फ्यूजन प्लस फर्टिलाइजेशन को ज्वाइंटली हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन तो सीड डेवलपमेंट की बात हो गई क्लियर अब बात साथियों अब हमने बात कर ली कि सीड का डेवलपमेंट होता कैसे क्लियर अब मैं... अच्छा एक चीज जान लीजिए सीड और ग्रेन दोनों का डेवलपमेंट प्रक्रिया एक ही है क्योंकि सीड हमारा एक अलग पर्पज उद्देश्य से, से बनता है और ग्रेन का पर्पज अलग है इस नाते दोनों में अंतर क्या है ठीक है अब इसको मिटा सकते हैं ओ, एक चीज देख लीजिएगा। बाई मिस्टेक हमने एमजी लिखा इसको एफ जी यानी, है तो उसको शॉर्टकट में लिखने में जल्दीबाजी में हो गई तो मेल गैमेट इंटू फीमेल गैमेट इज टू जाय ठीक है तब तो हम इसको भी मिटा देते हैं अब बात करते हैं कि सीड और ग्रेन में क्या अंतर है सीड और दूसरा हो गया ग्रेन ठीक है पहला तो पर्पज ही अंतर है कि दोनों का पर्पज अलग अलग है पर्पज क्या है सीड का पर्पज क्या है मल्टीप्लीकेशन सीड का पर्पज क्या है मल्टीप्लाई करना फर्दर क्रॉप प्रोडक्शन करना ग्रेन का पर्पज क्या है कंजप्शन चाहे वो ह्यूमन कंजप्शन हो या एनिमल कंजप्शन हो या किसी के कंजप्शन आए सीड का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ प्रोडक्शन है अगर आपको सीड को सर्टिफाई कराना है तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ प्रोडक्शन आपको फॉलो करना होगा ग्रेन में कोई स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है लेकिन उसको फॉलो करना क्या कंपलसन नहीं है सीड में वो कंपलसन है तो मेथड ऑफ मेथड ऑफ जो मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात हो गई ओके देन आई सीड में एक क्लियर है कि आपको इसमें फिजिकल प्योरिटी 98 परसेंट होनी चाहिए मिनिमम मिनिमम सीड में 98 परसेंट फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए ग्रेन में इस तरह कोई एसेंशियलिटी नहीं है नॉट जितना बढ़िया बेटर है कि आप प्योर हो लेकिन एसेंशियल ऐसा कोई एसेंशियलिटी गवर्नमेंट ला लाज में नहीं है जेनेटिकली जो है, जेनेटिकली सीड कितना परसेंट 99 नाइन टू हंड्रेड परसेंट प्योर होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो सीड आपका बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा और सीडेफ के भीतर वो इलीगल माना जाएगा इस तरह का जेनेटिक प्योरिटी का स्टैंडर्ड इसमें नहीं है इसमें इस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है कि ग्रेन को ही जेनेटिक प्योरिटी रखना होगा सीड मस्ट भी क्या होना चाहिए बाइगल होना चाहिए जिंदा होना चाहिए उसकी एम्ब्रियो जिंदा होनी चाहिए और बिगर ताकतवर होनी चाहिए ताकि खेत में ग्रो कर सके ग्रेन में इस तरह की कोई नीड नहीं है कि सीड को बाइगल होना चाहिए सीड अल्टीमेट फार्मर तक पहुंचने से पहले ट्रीटेड होना ग्रेन ट्रीटेड नहीं होना चाहिए क्लियर सीड को अगर कैटेगरी सीड आप बना रहे हैं फाउंडेशन सीड बना रहे हैं सर्टिफाइड सीड बना रहे हैं तो सीड का सर्टिफिकेशन क्या है अनिवार्य है अगर आप इस कैटेगरी में सीड ला रहे हैं लेकिन अगर ग्रेन में इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन आवश्यक नहीं है हाँ आजकल ऑर्गेनिक ग्रेन प्रोडक्शन हो रहे हैं वहां सर्टिफिकेशन क्या हो सकता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन या पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन तो वहां एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक के लिए सामान्य ग्रेन के लिए कोई सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है तो बात हो गई सीड और ग्रेन की तो इसी आधार पर अगर आप सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहें तो सीड को क्या कह सकते हैं जेनेटिकली सीड को नाइनटी नाइन टू हंड्रेड परसेंट प्योर होना चाहिए फिजिकली इन जनरल मिनिमम नाइनटी एट परसेंट प्योरिटी होना चाहिए लेकिन एक्सेप्शन कैरेट में नाइन्टी फाइव परसेंट फिजिकल प्योरिटी भी अलाउ है हाई लेवल ऑफ जर्मिनेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए मतलब सीड बाजार में आने से पहले उसके जर्मिनेशन टेस्ट कर कर बेचने वो कंपनी बनाने वाली कंपनी को कोट करना होगा कि कितने परसेंट जर्मिनेशन है और वो जर्मिनेशन मिनिमम साठ परसेंट काटन कैरेट में अलाउ है और मक्का में तो नाइनटी परसेंट जर्मिनेशन मिनिमम होनी चाहिए अगर इससे मक्का का सीड है और नाइन्टी से कम उसकी जर्मिनेशन है तो वो कह सकते हैं ना बिलो स्टैंडर्ड मानी जाएगी सीड का जो एम्ब्रियो हो वो बाइबल होनी चाहिए और विग्रस होना चाहिए सीड मस्ट बी फ्री फ्रॉम जो डिजिग्नेटेड डिजीज है सीड बॉर्न डिजीज है जैसे लूज स्मट है गेहूं का लूज स्मट काट का लूज स्मट है स्वर्गम का कर्नल बंट बंट है स्मट है ग्रेन स्मट है तो इससे क्या होना चाहिए फ्री होनी चाहिए दोस्तों सीड में मॉइस्चर कंटेंट भी कम रखा जाता है ताकि उसको स्टोरेज में कोई उस पर फंगल इंफेक्शन ना हो जाए या स्टोरेज पेस्ट न लग जाए तो सीड में मॉइस्चर कंटेंट जनरली सात से लेकर तेरह परसेंट मॉइस्चर रखा जाता है क्रॉप टू वेरी करता है तो मॉइस्चर भी सीड में ग्रेन की तुलना में कम होता है तो ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आप इस पर आप एग्जाम्पल देखें तो आप बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं अब आप समझ लें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन आप सोचें आ, आशा है कि यह विषय आपको समझ में आया होगा मैं कुछ समझाने का प्रयास किया है और आपके आगे के इंजाम में उपयोगी होगा ऐसा विश्वास है